अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सब लोग उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खुशपाश होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे अच्छा माएँ जो होती हैं ना वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं अपने बच्चे के मामले में चाहे वो पहनने का मामला हो चाहे वो लगाने का मामला हो चाहे वो खाने का मामला हो तो हर चीज में जो है ना वो माएँ बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तीन शैम्पू शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह जब मैं कल वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको जॉनसन बेबी माइल्ड एंड नैक्सटॉन और एक दो और ब्रांड्स के जो शैम्पू है ना आप लोगों के साथ उनका डिटेल रिव्यू शेयर करूंगी और वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कौन से जो बच्चों के बाल हैं ना उनके लिए कौन सा शैम्पू ज़्यादा बेस्ट रहेगा फिलहाल आज के इस वीडियो में मैं ये तीन शैम्पू कवर कर रही हूँ एक्चुअली uh, बच्चों के बालों को जो uh, समझना होता है ना वो बहुत जरूरी होता है कि उनके बाल जो है वो करली है फ्रीजी हैं ड्राई हैं ऑयली है मतलब कौन सी कैटेगरी में आपके बच्चों के जो बाल है ना वो फॉल कर रहे हैं अगर आपको आपके बच्चों की कैटेगरी का पता चल जाए ना तो फिर आपको प्रोडक्ट्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है तो मैंने ये जो सारे शैम्पू है ना ये मैंने अपने बेटे के ऊपर ट्राई किए हैं क्योंकि मुझे लगता था कि कोई प्रोडक्ट अच्छी है ही नहीं उसे सूट नहीं करी कोई भी तो मैंने फिर इतने सारे जो है ना वो शैम्पू बाय किए थे लेकिन फिर मुझे बाद में समझ आई कि उसकी हेयर एक्चुअली किस टाइप के हैं और सूट क्या करेगा तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल से सब शेयर करूंगी अच्छा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा क्योंकि मेरे चैनल पर जो है ना वो बच्चों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं चाहे बच्चों का वाइटनिंग लोशन हो या फेयरनेस लोशन हो या फिर उनके लिए अच्छा सन ब्लॉक हो या फिर वैसे एक अच्छा आप मॉइस्चराइजिंग लोशन हो या फिर बच्चे की ऑयली स्किन है तो एक अच्छा लोशन ढूंढ रहे हैं आप तो इन हवालों से जो है ना काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं और कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक पर डाल दूंगी अच्छा आज की जो वीडियो है ना इसमें मैं आप लोगों के साथ ये स्वैब ब्रांड का जो सॉरी लोशन बार बार निकलता है मुझसे शैम्पू शेयर करूंगी अच्छा जब मैंने ये देखे मुझे क्योंकि इतना नॉलेज नहीं था इनके बारे में तो मुझे ये था कि कोई आम सा ब्रांड होगा या कोई लोकल ब्रांड होगा मैं नहीं उठा रही लेकिन जैसे ही मैंने इसको उठाया पीछे से सारे इंग्रेडिएंट्स चेक किए और पढ़ा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैं फिर एक जो येलो वाला है ना वो मैं उठा के घर पर ले आई अच्छा ये एक अमेरिकन ब्रांड है और मैंने इसकी इंटरनेट पे जो सेल रेशो है वो भी चेक की है और इसकी सेल रेशो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है दुनिया भर में ये सेल होता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इनकी सारी प्रोडक्ट्स ही और सबसे मजे की बात ये कि इनके अंदर पैराबंस बिल्कुल भी नहीं है जीरो है ऊपर लिखा हुआ भी है कि जीरो पैराबंस है इंग्रेडिएंट्स में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपके बच्चों के लिए जो है ना वो हार्मफुल हो और इसके अलावा जो है ना ये डर्माटोलॉजिस्ट टेक्सटेड है और इसके अलावा ये जो ग्रीन वाला है ना ये मजे की बात है कि आप इसको थ्रीन वन है आप इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं एज आ शैम्पू भी एज आ बॉडी वॉश भी एज आ फेस वॉश भी तो इनकी जो पैकेजिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त है आ, एक पंप में ऊपर आता है क्योंकि जब बच्चे को आप शावर दे रहे होते हैं तो बच्चे ने वैसे इतना रोना डाला हुआ होता है ना कुछ बच्चों ने कुछ तो भी इसकी बहुत हैप्पी होकर नहा लेते हैं तो कुछ इतना रोते हैं और माओ को समझ नहीं आ रही होती वो जल्दी जल्दी कर रही होती हैं तो फिर वो ढक्कन खोलना वो फिर थोड़ा मुश्किल होता है तो इसीलिए फिर फौरन आप पंप से निकालो और यूज कर लो तो जो आ, ग्रीन वाला है ना ये वाला ये आप बच्चों पे जो है ना वो तीनों मतलब थ्री इन वन है तो आप शैम्पू कंडीशनर फेस वॉश एज यूज़ कर सकते हैं अच्छा इफ़ यू हैव अ बेबी बॉय तो मैं ये कहूँगी कि आप ये वाला जरूर ट्राई करें क्योंकि इसके अंदर भी कंडीशनर है Uh, बच्चों को ऑब्वियसली इतना वेट वो नहीं करते कि उनको पहले शैम्पू करो फिर कंडीशनर लगा के बैठा दो दो तीन मिनट और फिर ऊपर से जो है ना वो पानी डालो तो वो सीन नहीं होता बच्चों में तो इन दोनों के अंदर ही कंडीशनर मौजूद है लेकिन ये जो येलो वाला है ना इसके अंदर थोड़ा ज्यादा कंडीशनर है इफ़ यू हैव अ बेबी गर्ल तो मैं ये कहूँगी कि आप येलो वाला ट्राई करें क्योंकि मैं पहले येलो वाला लोशन लाई थी ये सॉरी शैम्पू लाई थी कोकोनट वाला तो मुझे फिर फील हुआ कि बच्चे के बाल क्योंकि मेरा बेबी बॉय है तो उसके बाल बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जो है ना वो सिल्की हो रहे हैं बहुत ज्यादा क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा यू नो पफ थोड़ा प्यारा लगता है ऊपर खड़े हुए बाल जो होते हैं वो प्यारे लगते हैं तो वो फिर मेरे बच्चे का थोड़ा जो पफ है ना स्टाइल है वो बैठने शुरू हो गया था खराब होना शुरू हो गया था मांग निकल रही थी तो इसीलिए फिर मैंने जो है ना वो येलो वाले को छोड़ के ग्रीन वाला लाई तो मेरे बच्चे पे जो है ना वो ग्रीन वाला बस था अगर बेबी गर्ल है आपकी तो फिर मैं कहूंगी आप येलो वाला ट्राई करें या आपके बच्चे के बाल करली है या फ्रीजी हैं तो फिर मैं कहूंगी कि आप येलो वाला ट्राई करें क्योंकि इसमें जो कंडीशनर है ना उसकी क्वांटिटी डबल है ग्रीन वाले से येलो वाले में डबल है क्वांटिटी ठीक है कंडीशनर की तो ओबियसली ज्यादा कंडीशनर है तो आपके बच्चों को बालों को जो है ना वो ज्यादा सिल्की एंड सॉफ्ट एंड स्मूथ करेगा तो ये वाले शैम्पू जो है ना मुझे वेरी ऑनेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये जॉनसन और दूसरे ब्रांड्स है ना ये वाले बहुत ही अच्छे लगे हैं अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किया आप अभी तक बस सोच रहे हैं कि कौन सा ट्राई करें तो आप ये दोनों ट्राई कर सकते हैं अच्छा ये न्यू बॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं और सबसे मज़े की बात ये टीयर फ्री है ठीक है आपके बच्चे की आंखों में नहीं जाएंगी इनकी स्मेल भी बहुत अच्छी है ठीक है आपके बच्चे से जो है ना वो खुशबू आती रहेगी और डरमाटोलॉजिस्ट टेक्स्टेड हैं ये ठीक है शैम्पू और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट में आंसर सॉरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे बाकी इनशाला मैं कल की वीडियो में आपको डिटेल से बता दूंगी कि आप लोग एक बच्चे के लिए जो है ना वो शैम्पू अच्छा कैसे चूज कर सकते हैं कैसे पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे की जो वो आ, है ना हेयर वो किस कैटेगरी में कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं बच्चों के जो हेयर हैं फ्रीजी हैं ड्राई हैं ऑयली हैं क्या हैं और इसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपके बेबीज के बाल जो है ना वो हेल्दी हो जाएंगे और अगर पतले हैं तो वो कमज़ोर हैं तो हेल्दी हो जाएंगे और सारा कुछ जो है ना वो इनशाला कल की वीडियो में मैं शेयर करूंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही तो मिलते हैं इनशाला कल न्यू वीडियो के साथ तो दुआओं में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कल की वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी अल्लाह हाफिज